गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज के इस लेक्चर में हम 5 अप्रैल 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर पढ़ेंगे और आज से आपको करंट अफेयर का डेली वीडियो भी मिलेगा। इसके अलावा एक वीडियो मैंने और बनाया है, वो बहुत जल्द अपलोड कर देंगे, जिसमें मैंने फरवरी के A to Z करंट अफेयर कवर किए हैं वन लाइनर। और उसके बाद मैं मार्च का एक वीडियो डालूंगा जिसमें मैं मार्च पूरा कवर कर दूंगा। तो जनवरी की वीडियो ऑलरेडी पड़ी है, तो जनवरी के करंट अफेयर, फरवरी, मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर आपको डेली मिलते रहेंगे, जिससे हमारा जो स्टडी के साथ है रिलेशन बना रहेगा, हम टच में रहेंगे जब तक हम घरों में हैं। तो बिना देरी ना किए हुए आज के क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं। हालांकि इन दिनों में इतने करंट अफेयर बन तो नहीं रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक ही खबर है, कोरोना कोरोना कोरोना। उसके अलावा भी मैंने कोशिश की है, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। भारत को COVID-19 महामारी से निपटने में मदद के लिए $1 बिलियन की एमरजेंसी फंड को किसने मंजूरी दी है? तो आप सभी को पता है ये मंजूरी किसने दी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। किसने दी है बेटा? एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। तो याद रखना, ऑप्शन में आपके पास चार ऑप्शन थी, वर्ल्ड बैंक, IMF और न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो बेटा इन चारों की मैं डिटेल आपसे शेयर करूँगा, A to Z डिटेल हम पढ़ेंगे इन चारों की, क्योंकि आने वाले दिनों में इन चारों का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा फंड्स को लेकर, नीति को लेकर, प्लानिंग को लेकर। तो ये बार बार रिपीट होते रहेंगे, तो हम इनकी डिटेल को पढ़ते हैं। सबसे पहले है बेटा एशियन डेवलपमेंट बैंक, सबसे पहले है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर बात की जाए तो इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? इसका हेड ऑफिस है फिलीपींस में। फिलीपींस की कैपिटल कौन सी है? मनीला। तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला में इसका हेड ऑफिस है। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 19 दिसंबर 1966 को, 19 दिसंबर 1966 को। और इसमें मेंबर कितने हैं? तो मेंबर की बात की जाए तो बेटा 68 मेंबर हैं इनमें। कितने मेंबर हैं? 68। और अगर वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है बेटा मासातसुगु असकावा। याद रखना, मासातसुगु असकावा जो किस देश से हैं? जापान से हैं। और अगर आपको पूछे कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के लास्ट मेंबर कौन है, तो लास्ट मेंबर है न्यूई। ठीक है, क्या नाम है? न्यूई। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है बेटा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पर है? Washington DC। कहाँ पर? Washington DC। इस्टेब्लिश कब हुआ? July 1944। कब इस्टेब्लिश हुआ बेटा? July 1944। प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। प्रेसिडेंट कौन है बेटा? डेविड मलपास। MD और CEO है अंशुला कांत। ये इंडिया से है बेटा। कौन है? अंशुला कांत। अगर वर्ल्ड बैंक के मोटो की बात की जाए तो वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पावर्टी, वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पावर्टी, इसकी क्या है बेटा? मोटो है। मेंबर कंट्री की बात की जाए तो वर्ल्ड बैंक की मेंबर कंट्री है 189। कितने मेंबर कंट्री है? 189। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है बेटा वर्ल्ड बैंक के जो ग्रुप्स हैं वर्ल्ड बैंक में, और कौन कौन से ग्रुप हैं? तो वर्ल्ड बैंक में याद रखना IBRD यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसके अलावा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसके अलावा इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसके अलावा मेगा मल्टी इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और इसके अलावा ICSID यानी कि इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसके बाद आता है बेटा IMF। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हेडक्वार्टर है Washington DC। इस्टेब्लिश हुआ 1945 में, ये स्थापित हुआ 1945 में। MD है क्रिस्टिना जॉर्जिएवा और चीफ इकोनॉमिस्ट है गीता गोपीनाथ, जो इंडिया से है। मेंबर कंट्री है 189। तो ये आपने डिटेल याद रखनी है। इसके अलावा है न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेड ऑफिस है शंघाई। स्थापित हुआ था 2014 में। ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। प्रेसिडेंट है KV कामत, ये इंडिया से ही है। और मेंबर कंट्री की बात की जाए तो मेंबर कंट्री है इसके 5। जो ब्रिक्स नेशन है, जो ब्रिक्स नेशन है वो इसके मेंबर है, बी पर ब्राज़ील, आर पर रशिया, आई पर इंडिया, सी पर चाइना, एस पर साउथ अफ्रीका। तो आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने किस निकाय ने कोविड-19 को हराने के लिए
ग्लोबल सॉलिडेटरी का प्रस्ताव अपनाया है। तो याद रखना, यूएनजीए ने, यूएनजीए यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, आप एक तरह को इसको इंटरनेशनल पार्लियामेंट भी बोल सकते हो, जिसका सेशन साल में एक बार होता है। इसका सेशन शुरू होता है बेटा सितंबर में, और ये सितंबर से लेकर लगभग कब तक चलता है, दिसंबर तक इसका सेशन चलता है। तो यूएनजीए ने ये जो है, क्षमा चाहूँगा, यूएनजीए ने जो ये है प्रस्ताव अभी पारित किया है, तो याद रखना यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाला कौन सा न्यायाधीश जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का पहला न्यायाधीश बना है? तो याद रखना जस्टिस रजनीश ओसवाल, क्योंकि आप सभी को पता है कि धारा 370 हटा दी गई है, क्योंकि उससे पहले जम्मू कश्मीर का अपना एक संविधान था, और अगर किसी की भी अपॉइंटमेंट होती थी तो उसे जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन की कसम लेनी पड़ती थी, और उसके बाद ये हमारे देश के पहले जज बने हैं जिन्होंने भारतीय संविधान की जो है ओथ वहाँ पर ली है। तो याद रखना आपने नाम जस्टिस रजनीश ओसवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड 19 हॉटस्पॉट क्षेत्रों में एंटीबॉडी परीक्षणों को किसने मंजूरी दी है? तो ICMR ने मंजूरी दी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने सीम सीलिंग ग्लू के साथ जैविक सूट विकसित किया है? तो याद रखना बेटा DRDO ने, DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO इस्टेब्लिश हुआ था 1958 में। एक और चीज़ याद रखनी, दुनिया की जो जानी मानी एजेंसी है नासा, नासा भी बेटा 1958 में बना था, ये आपने याद रखना है। DRDO का हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली, और DRDO के जो हेड है वो है जी सतीश रेड्डी। कौन है बेटा हेड? नेक्स्ट, किस देश के राष्ट्रपति का कोविड 19 के लिए दो बार परीक्षण किया गया है? किस देश के राष्ट्रपति का कोविड 19 के लिए दो बार परीक्षण किया गया? तो याद रखना USA, और इन दिनों में सबसे ज़्यादा जो कोविड 19 के पेशेंट हैं वो कहाँ पर है? USA भी है। नेक्स्ट बेटा, टोनी लुइस का 1 अप्रैल 2020 को 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने किस लोकप्रिय सूत्र का सह आविष्कार किया था? तो याद रखना डकवर्ड लुइस, सभी को पता है डकवर्ड लुइस जो एक सिस्टम है किसमें होता है, क्रिकेट में होता है, तो ये उसके आविष्कारक थे, और हाल ही में इनका क्या हो गया, निधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में तीसरे एशियाई युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कौन सा देश करेगा? चाइना, जिसने दुनिया को क्या दिया, कोरोना वायरस। और चाइना के कौन से शहर से शुरू हुआ था? तो वुहान से शुरू हुआ था। चाइना की कैपिटल है बीजिंग, चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, और चाइना की करेंसी है रिनमिनबी। 2 अप्रैल 2020 को किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड 19 पर राष्ट्रीय तैयारी सर्वेक्षण जारी किया है? तो बेटा याद रखना जितेंद्र सिंह ने। किसने बेटा? जितेंद्र सिंह ने। किसने किया है? जितेंद्र सिंह। तो बेटा कुछ और बातें करते हैं, विशाखापट्टनम में नौसेना डॉकयार्ड ने विकसित की है एक बार में कई रोगियों को ऑक्सीजन देने की तकनीक। तो इंडियन नेवी ने एक बार में कई रोगियों को ऑक्सीजन देने की तकनीक विकसित की है, क्योंकि हमारे देश की सेनाएं भी कोविड 19 से लड़ने के लिए मैदान में उतर आई है, और इस सिस्टम को बोला गया है पोर्टेबल मल्टीफीड ऑक्सीजन मैनिफोल्ड। तो अगर ये पूछे कि ये किसने बनाया है, तो याद रखना इंडियन नेवी ने बनाया है। इंडियन नेवी का हेड ऑफिस कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। और इंडियन नेवी की कितनी कमांड है? तो 3 कमांड है। कमेंट करके बताइए कि इंडियन नेवी के हेड कौन है। नेक्स्ट बेटा, लेबनान में फिलीपींस के राजदूत बर्नाडिर्टा केटाला कोविड 19 के कारण, संक्रमण के कारण 2 अप्रैल 2020 को निधन हो गया है। तो बड़ी मतलब बुरी खबर है कि जो लेबनान में फिलीपींस के अम्बेसडर थे उनकी मृत्यु हो गई है, और वो भी किस कारण से? तो कोविड 19 के कारण से। नेक्स्ट है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने ब्रिटेन के बॉब बैटन के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में 30 मार्च 2020 तक 112 साल 1 दिन
तक जीवित रहने का व्यक्ति का खिताब दिया है। तो मतलब आप ये कह सकते हो कि ये वर्ल्ड के सबसे बुजुर्ग हैं और ये 112 साल और एक दिन के हैं, और इनका जो नाम है गिनीज वर्ल्ड बुक में क्या किया गया शामिल, और ये किस देश से हैं, तो ये बेटा इंग्लैंड से हैं। नेक्स्ट कुछ स्टैटिक क्वेश्चन है क्योंकि करंट के क्वेश्चन इन दिनों में इतने बन नहीं पा रहे। पहला क्वेश्चन, ब्लैकबक नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो बेटा ब्लैकबक नेशनल पार्क है गुजरात में। तो कमेंट में बताइए गुजरात के सीएम कौन है, और गुजरात में एक और नेशनल पार्क है याद रखना गिर फॉरेस्ट। तो गिर फॉरेस्ट पूछा जाए तो कहाँ पर है बेटा? गुजरात। नेक्स्ट, वसंधा नेशनल पार्क किस राज्य में? तो वसंधा भी बेटा किस राज्य में है? तो वसंधा जो नेशनल पार्क है ये भी बेटा गुजरात में है। किस राज्य में है? गुजरात। ठीक है, वसंधा किस राज्य में है? गुजरात। नेक्स्ट है आपके सामने नागरहोल नेशनल पार्क किस राज्य में? तो नागरहोल है बेटा कर्नाटका में। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलोर, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो कमेंट करके बताइए कर्नाटका के सीएम कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, जम्मू और कश्मीर में स्थित हैमिस नेशनल पार्क सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बेटा ये हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखना हैमिस नेशनल पार्क कहाँ पर है? जम्मू और कश्मीर में, और ये किसके लिए फेमस है? तो याद रखना हिम तेंदुए के लिए। नेक्स्ट बेटा, सिम्पलीपाल नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो सिम्पलीपाल है बेटा ओडिशा में। किस राज्य में? ओडिशा में। और एक और चीज़ याद रखना, ओडिशा में कौन सी लेक फेमस है? तो चिलिका। चिलिका लेक किस राज्य में? ओडिशा में है, जो इंडिया की सबसे बड़ी सॉल्टी वाटर लेक है। नेक्स्ट, राजमुंद्री किस नदी के तट पर है? तो आपने बताना राजमुंद्री ये गोदावरी नदी के तट पर है, और गोदावरी नदी को बोला जाता है दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा। याद रखना दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा। नेक्स्ट, यशगान किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो बेटा याद रखना यशगान कर्नाटका का प्रसिद्ध नृत्य है यशगान। नेक्स्ट है इसके बाद, उरी बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया? तो उरी बांध बनाया गया बेटा झेलम पर। कौन सी नदी पर? झेलम। और ये वही उरी है जहां पर आतंकवादी हमला हुआ था और जो भारतीय सेना के जो जवान है शहीद हुए थे। तो याद रखना उरी डैम जो है वो किस नदी पर बनाया गया? झेलम नदी पर बनाया गया। तो आई होप आपको आज के करंट अफेयर बेटा पसंद आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मैं करंट भी आप अपलोड करता रहूँगा, और फरवरी के करंट अफेयर आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।